तीन नस्ल की ब्रीड्स हो गई हैं इस टाइम हम पे मुर्गियों की। सबसे पहले आपका ये डबल एफ जी क्रॉयलर जिन्हें कहा जाता है, जो बेसिक। सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, हम दिल्ली में थे उस टाइम पे। बच्चों को अब हमने हापुड़ ला के यहाँ पे खोल दिया है कमरे में। बड़ी वाली मुर्गी इनके साथ हल्का फुल्का मार रही है, तो देखें बत्तखें भी बाहर आ गई हैं। अब और रौनकें लग जाएंगी इंशाल्लाह, जैसे मुर्गियाँ और भी होंगी और बकरे भी हैं। बकरे भी इन्हें देख रहे हैं आके कि ये क्या बला है। देखें बत्तख किस तरीके से खा रही है। वो देखें बत्तख का खाना, देखें एक मुर्गी अंदर रह गई है। चल, ये थोड़ी सी सुस्त लग रही है। कल इनका दाना भी लेंगे, अभी फ़िलहाल तो मैंने इन्हें यही डाला है, रोटी और वो पानी भी इसी में पी रहे हैं अभी फ़िलहाल। बड़ी मुर्गी है हमारी, मुर्गा तो दूर ही चला गया, ये बच्चा भी देख रहा है। अब इंशाल्लाह यहाँ पे ये कुरेदते रहेंगे तो सारी चीज़ें ओके रहेंगी। बत्तख मैं पहली बार पाल रहा हूँ, मुर्गियाँ तो खैर ये होता है, ये वाले बच्चे मैं हर साल ही खरीद के लाता हूँ दो एक साल में। पुरानी वाली मुर्गियाँ जब अंडे देना कम कर देती हैं, घर के जो रिक्वायरमेंट है सारी उन्हीं से पूरी होती रहती है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत हेल्दी भी रहेंगे इंशाल्लाह। आप देखें उसने कुरेदना शुरू कर दिया है, वो भी खा रहा है। ये देखें वो बड़ा वाला मुर्गा भी आके देख रहा है कि ये क्या नए नए छोटू आ गए। लाइगर खड़ा हुआ है, हंटर भी देख रहा है ऊपर से खड़े होके कि ये क्या चीज है भाई। मजा तो इन बत्तखों को इंशाल्लाह पालने में आएगा कि इनका क्या सिस्टम रहता है। अब इंशाल्लाह आपको ये पूरा व्लॉग सुबह ही देखने को मिलेगा कि सुबह इनका क्या सिस्टम होता है, सुबह इनकी क्या होता, मतलब क्या इनका रहता है सीन, कैसा ये कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। कोई जैसे हवा पानी चेंज होता है तो जानवर बुरा मानता है, तो इंशाल्लाह सुबह दिखाते हैं आपको अपडेट क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम इस टाइम छत पर आ चुके हैं। जैसे रात को आपने देखा ही था कि हम मुर्गी के बच्चे लाए, अब हम उनको खोलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे पहले पत्ते रख देते हैं बकरों के। यहाँ पे आप देखें बकरे तो पत्ते आराम से खा रहे हैं, बच्ची भी खाने लगी अब तो। और फिर उसके बाद जो है अब बच्चों को भी दिखाते हैं, बच्चों को भी आज बाहर खोलते हैं धूप में। मुर्गी के बच्चे जो हम कल रात को लाए हैं उनको देखते हैं क्या अपडेट रहती है, कैसे रिएक्ट करते हैं। बड़ी मुर्गियों को तो नहीं खोला अभी बाहर, ना उन वाले बच्चों को खोला है। सिर्फ बकरों को मैंने कहा था बाहर निकाल देना, बाकी मैं देख लूँगा अपने आप आके। अब उनके लिए मैं रोटी लेके आया हूँ, उन्हें भी खिलाते हैं, देखते हैं क्या सीन है अंदर, क्या कर रही हैं मुर्गियाँ। तो देखते हैं, ये देखें पूरे में फैले में ये रहे कुरेद रहे। अब इन सबको बाहर ही लेके चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है फिर। चलो, अभी तो खैर इन्हें क्योंकि आइडिया नहीं है मुर्गी बच्चों को कि कहाँ जाना है, तो इन्हें शायद पकड़ के छोड़ना पड़ेगा। बड़ी वाली मुर्गियाँ तो एक सेकंड में चली जाएंगी। लेके चलते हैं इन्हें और बाहर इन्हें खाना खिलाते हैं। मैं पांच बच्चों को ला के बाहर छोड़ दिया है और बड़े वाले दोनों अलग चले गए, बकरे अपने खाने खाने में मस्त हैं। बाकी जो बचे हैं उनको भी बाहर लेके आते हैं। अब बाकी सबको हमने छोड़ दिया है, अब इसको भी छोड़ देते हैं, जा वो भी भाग गया। अब इन्हें लाके खाना डालते हैं हम सबसे पहले। इसमें मैं दो केले के छिलके भी लाया हूँ, वो बकरे खा लेंगे और जो रोटी है वो मुर्गियाँ खाएंगे। ले भाई खा ले केला, बाकी इसमें डाल लो तू भी खा ले। अब हम पहले गेट बंद कर देते हैं जिससे बकरे या मुर्गी कोई भी अंदर ना जाए। ये देखें सब यहाँ पे धूप में लेट गए। अबे बेटा रोटी हट जा, तेरा खाने का नहीं है। ये देखो बकरे पीछे लग गए, तेरा नहीं है। अबे भाई से रोटी क्रश करके तुझे तेरे खाने की नहीं है। ये
ये देखो रोटी खा रहा है, हट जा। अब ना इसे यहाँ पे एक कोने में डाल देंगे सबसे पहले। ये देखो सब आ गए इधर। ये नई सारी तीन नस्ल की ब्रीड्स हो गई हैं इस टाइम हम पे मुर्गियों की। सबसे पहले आपका ये डबल एफ जी क्रॉयलर जिन्हें कहा जाता है, जो बेसिक ब्रीड जो होती है। देखें चील आ गई है फौरन। अभी मैं खड़ा भाई हूँ, इन्हें बाहर तो छोड़ूंगा नहीं जब तक बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे, वरना चील इन्हें एक सेकंड में उठा के ले जाएगी। ये डबल एफ जी क्रॉयलर, ये आपका इंडियन देसी और वो जैपनीज बैंटम। ये तीन नस्लें हैं हमारे पास इस टाइम। ये देखें तीन नस्ल की मुर्गियाँ। अभी फ़िलहाल ये खा लें जब तक मुझे ज़रा ध्यान चील का भी देना पड़ेगा, इन्हें अंदर बंद करके। सो अभी तो मैं इन्हें खिला के बस फ़ौरन अंदर कर दूंगा जब तक ये थोड़े इस लायक नहीं हो जाते कि चील से बच सकें, उसके बाद इन्हें फिर बाहर खुला छोड़ा करेंगे। अभी तो नई चीज़ें देख रहे हैं बकरों वकरों को सबको। अभी फ़िलहाल एंड करते हैं यहाँ पे। देखें चीले ऊपर चक्कर लगा रही हैं फौरन, जब तक मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे जब तक नहीं आ रही हैं। बस अंदर भी मैंने इन्हें छोड़ा इस वजह से नहीं क्योंकि अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल हर वक्त जानवर बंद रहे तो भी सुस्त होता है। तो अब ये ज़रा धूप में खा पी लें, थोड़ी सी बॉडी को धूप लग जाए। जो सुस्त जानवर होता है वो भी धूप में आके सही हो जाता है। ये देखें बस थोड़ा और एक्टिवनेस होती है, जितना चलेंगे उतनी ग्रोथ अच्छी होती है। अभी फिर इनको बंद करेंगे अब अंदर। यहाँ पे देखें मैंने ना पानी भर के रख दिया है बत्तखों मतलब बच्चों के लिए कि पानी पी लें, क्योंकि इनका जो बर्तन है वो तो अंदर है बड़ा वाला। अब यहाँ पे देखें बत्तखें तो इसमें मस्ती कर रही हैं, नहा रही हैं। इन्हें मज़ा आता है खाने में से ही कुछ निकाल के खाने में, पानी में से ही कुछ निकाल के खाने में। तो देखें वो तो कैसे पानी को तलाश छान रही है एक तरीके से, चोंच चला के ये इसी तरीके से खाती है। अभी इन्हें हम थोड़ा सा दाना भी ला के डालते हैं। देखें यहाँ पे जो ब्रेड बची हुई है ना, इसको मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ। ये रही ब्रेड, इसको मैं पानी के अंदर डालता हूँ तो देखिए कैसे खाएगी ये बत्तख खाने के बाद इसमें पानी के अंदर से। ये देखें पानी के अंदर से छान लिए, मुर्गियों ने भी निकाल लिए। हाँ भाई क्या हो गया, ये मैं थोड़ा सा दाना भी ले आऊँ और यहाँ पे ये एक कोने में है तो चील का वो से भी बचे रहेंगे। मैं थोड़ा सा इन्हें दाना डालता हूँ ज़मीन पे। बकरी का बच्चा भी आ गया साथ में खाने के लिए। ये देखें हटो फिश, तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें डलेगा अभी, हट जाओ। बकरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बहरहाल एंड करते हैं इस व्लॉग को इसी के साथ। अब ये यहाँ पे दाना भी खाने लग गए हैं और अभी मैं इन्हें बंद कर दूंगा। बत्तख के बच्चे भी देखें दाना उठा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। अब इंशाल्लाह आगे मुर्गियाँ लाए हैं, कड़कनाथ भी लाएंगे, असील भी लाएंगे, जैसे जैसे होगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं, पहले ये बच्चे संभल जाएं, बड़े हो जाएं, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़रा काम भी शुरू होना है तो इन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो थोड़े टाइम बाद और भी मुर्गियाँ लाएंगे, अभी फ़िलहाल ये बच जाएं जितने बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।